इलेक्टोरल बॉन्ड पर जीतू पटवारी का खुलासा। चुनावों से ठीक पहले पटवारी ने बोला मोदी पर हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी को दिखाया आईना। मोदी के मेगा प्लान को जीतू पटवारी ने किया एक्सपोज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 अप्रैल और 13 अप्रैल को लोग अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और उस पार्टी का वोट देंगे जो उनके लिए काम करेगी, जिस पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा होगा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हर मुद्दा विपक्षियों के लिए हथियार बनता जा रहा है और इन मुद्दों को कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठा रही है। एमपी में कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कराने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रही है और इसी के चलते अब लगातार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हर मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में चुनावी चंदे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से इसे लेकर सवाल कर रही हैं और शायद मोदी अभी कुछ भी कहने या फिर जवाब देने की हालत में शायद नहीं है और इसीलिए वो चुप है। और अब एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आड़े हाथ लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते वक्त पटवारी ने इस बात को दोहराया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता उनकी पार्टी की तरफ यानी कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि साल 2014 के बाद से मोदी की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही सबसे बड़ा हमला पटवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किया। चुनावी बॉन्ड को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला जीतू पटवारी ने बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए और कई सारी तस्वीरें भी साफ कर दी। क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने आप खुद सुनिए। और उन्हें किसको पैसा दिया, ये अपने आप में ये मैसेज करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया, ये सर्वविदित है। बाकी डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं। मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, धमकाने का और वसूली का। इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। और उसके विपरीत जो पीएम केयर फंड की एक जानकारी देश के सामने नहीं आई, जिन उद्योगपतियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया उसका क्या हुआ अल्टीमेटली, वो भी तो जैसा वसूली ये हुई वैसी वसूली का माध्यम तो नहीं था, वैसा ही वसूली का माध्यम तो नहीं था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कई पिटीशन लगी है। मैं मानता हूं कि वो भी एक दिन सामने आएगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार रहित देश बनाऊंगा, स्विस बैंक की लिस्ट लाऊंगा, 15-15 लाख डालूंगा, ये ऐसे नारे दिए थे करप्शन के अगेंस्ट। कांग्रेस का एक एक नेता जेल की सलाख होकर पीछे रहेगा, स्विस बैंक में इन्हीं के पैसे हैं, ये क्या हुआ और निकला क्या ये देश जाने। साथियों, इसके विपरीत हमने गारंटियों की बात की हो, चाहे खाद्यान्न की गारंटी हो, भोजन का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो, वन का अधिकार हो, अधिकार संपन्न हमने देश बनाया। हमने अब निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले, कांग्रेस पार्टी अधिकार बना के देगी, हर हालत में होगा। दूसरा, हमने निर्णय लिया है कि 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया पर युवा को, जैसे उसने ग्रेजुएशन किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर युवा को ये सहायता 1 लाख रुपए की 1 साल में देंगे। जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री लाया, कोई किसी प्रकार की ड्यू डिलीजेंस नहीं, सिर्फ डिग्री माध्यम है उसका।
इतना ही नहीं, पटवारी ने एक्स सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 50 करोड़ तो कई कंपनियों को ईडी आईटी द्वारा डराकर हजारों करोड़ वसूले हैं, लेकिन इस लिस्ट में उन दो घरानों का नाम क्यों गायब है जिन्हें सरकार ने ट्रेन प्लेन स्टेशन सहित सब कुछ सौंप दिया। जीतू पटवारी ने साफ तौर पर मोदी से सीधे सीधे सवाल किए हैं, जिन सवालों के जवाब शायद मोदी के पास नहीं है और शायद इन सवालों को करने की हिम्मत कुछ मीडिया संस्थान भी नहीं करते और उन सवालों को विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सच दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। एमपी नहीं बल्कि पूरे देश में चुनावी चंदे को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी ने सीधे सीधे मोदी को घेरा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।